हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स बाय मयंक सर। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस के टाइप वन को समझा था। आज के वीडियो में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के टाइप टू को, जो टाइप सेकंड पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं, उनको समझेंगे। क्वेश्चन बेस्ड ऑन रिलेशन बिटवीन सीपी एंड एसपी, यानी कि क्रय और विक्रय मूल्य के बीच में संबंधों पर आधारित प्रश्न। हमारे सामने चार क्वेश्चन हैं, इन्हीं चारों क्वेश्चन से हम आज इस टाइप टू को समझने का प्रयास करेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है, एसपी ऑफ एन आर्टिकल इज 4/3 ऑफ इट्स सीपी, फाइंड प्रॉफिट परसेंट। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य का 4/3 है, ठीक है। यानी कि अगर हम क्रय मूल्य को कुछ मानेंगे, क्योंकि और कोई वैल्यू तो दी नहीं है, तो जब भी हम मानेंगे, जनरली हम 100 या x मानते हैं, लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, जब हमें यहाँ क्या करना है, cp को 4/3 से गुणा करना है, यानी 3 से यहाँ भाग देना है, तो हम cp को हमेशा ऐसा कोई नंबर मानेंगे जो 3 से डिवाइड हो जाए, जैसे कि 30। अगर हम मान लेते हैं उस वस्तु का क्रय मूल्य 30 रुपये है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 30 का 4/3, यानी कि 40 रुपये। तो विक्रय मूल्य आ गया हमारे पास 40 रुपये। 30 रुपये की चीज को अगर हम 40 रुपये में बेचेंगे तो हमें लाभ होगा, और कितने का? 10 रुपये का। अब हमसे पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछ रहा है प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट हमेशा किस पे निकलता है? सीपी पे। और सीपी कितना है? 30 रुपये। प्रॉफिट कितना हो रहा है उस पे? 10 रुपये का। परसेंट निकालना है तो इनटू 100, यानी ये कितना हो जाएगा? 100/3, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? 33.1%, ठीक है। अब फिर से समझ लीजिए, क्वेश्चन में कह रहा था किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 4/3 है, तो हम क्रय मूल्य को ऐसा मानते हैं जो 3 से अच्छे से डिवाइड हो जाए, यानी कि फ्रैक्शन हट जाएगा। तो हम 30 मान लेते हैं, क्रय मूल्य 30 रुपये है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? 30 का 4/3, यानी कि 40 रुपये। तो 30 रुपये की चीज को अगर हम 40 रुपये में बेचेंगे तो हमें 10 रुपये का लाभ होगा। लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, लाभ प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर निकालते हैं, यानी 30 रुपये पे 10 रुपये का लाभ प्रतिशत है, तो गुणे 100 करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 33.1%। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि द रेशियो ऑफ सीपी एंड एसपी इज 4:5, यानी कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अनुपात कह रहा है 4:5 का है। तो हम अगर इसको 4 रुपए मान लेते हैं तो ये 5 रुपए का हो जाएगा, ठीक है। यानी सीपी को अगर हम 4 रुपए का मानते हैं तो एसपी 5 रुपए का हो जाएगा, तो यहाँ से हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं। प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 4 रुपए की चीज को 5 रुपए में बेचा जा रहा है, तो प्रॉफिट कितने का? 1 रुपए का। हमसे पूछ क्या रहा है, प्रॉफिट परसेंट सीपी पे निकलेगा, तो सीपी 4 रुपए, प्रॉफिट कितना? 1 का, इंटू 100 करेंगे, यानी ये कितना आ जाएगा? 25% का लाभ, ठीक है। फिर से एक बार देख लेते हैं, सीपी और एसपी के बीच का रेशियो दिया है 4:5 का। सीपी को हम, यानी कि क्रय मूल्य को 4 रुपए मान लेते हैं, तो विक्रय मूल्य 5 रुपए होगा। 4 रुपए की चीज को 5 रुपए में बेचेंगे तो लाभ कितने का हो जाएगा? 1 रुपए का। लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हमेशा क्या करते हैं? सीपी पे निकलता है, तो सीपी पे, यानी कि 4 रुपए पे के क्रय मूल्य पर 1 रुपए का लाभ हो रहा है। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे, 4 से 100 को कट करेंगे तो 25 बार में चला जाएगा, यानी लाभ कितने प्रतिशत का हो रहा है? 25% का हमको लाभ हो रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन, द रेशियो बिटवीन एसपी एंड सीपी ऑफ एन आर्टिकल इज 7:5, यानी किसी वस्तु के विक्रय और क्रय मूल्य के बीच का अनुपात 7:5 का है। यानी कि अगर क्रय मूल्य को 5 रुपए मानेंगे तो विक्रय मूल्य 7 रुपए हो जाएगा। फिर आगे कह रहा है, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन प्रॉफिट एंड सीपी, ठीक है। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ दे रहे हैं,
The ratio between SP and CP of an article is 7:5. What is the ratio between profit and CP? किसी वस्तु के विक्रय और क्रय मूल्य के बीच का अनुपात सात संबंधे पांच का है, तो लाभ और क्रय मूल्य के बीच का अनुपात क्या होगा? ठीक है, तो विक्रय मूल्य को अगर ₹7 मानेंगे तो क्रय मूल्य ₹5 होगा, तो लाभ कितना हो जाएगा? ₹5 की चीज को ₹7 में बेच रहे हैं तो लाभ हमें यानी कि प्रॉफिट होगा ₹2 का। अब हमसे पूछ क्या रहा है, लाभ व क्रय मूल्य का अनुपात, प्रॉफिट और सीपी का रेशियो। तो लाभ कितना है, प्रॉफिट ₹2 का, सीपी कितना है पांच, तो अनुपात हमारा कितना हो जाएगा, 2:5 का अनुपात, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, फिर से एक बार समझ लीजिए, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के बीच में 7:5 का अनुपात दिया था, तो विक्रय मूल्य ₹7 होगा तो क्रय मूल्य ₹5 हो जाएगा। यहां से लाभ निकालेंगे तो ₹5 की चीज को ₹7 में बेच रहे हैं तो ₹2 का लाभ होगा। अब प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि प्रॉफिट और सीपी के बीच का रेशियो यानी कि लाभ और क्रय मूल्य के बीच का अनुपात क्या होगा, तो लाभ ₹2 का, क्रय मूल्य ₹5 का, तो अनुपात 2:5 का हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथे क्वेश्चन में कह रहा है कि सीपी ऑफ एन आर्टिकल इज 40% ऑफ एसपी, यानी कि सीपी बराबर क्या है, एसपी के 40% के। ठीक है, देन व्हाट परसेंटेज एसपी ऑफ सीपी, यानी कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 40% है तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत होगा? कहीं भी रुपए की कोई बात नहीं किया है तो हम कुछ भी मान सकते हैं वैल्यू को। यहां 100 है तो हम 100 से कटने वाले किसी वैल्यू को ही क्या मान लेते हैं, सेलिंग प्राइस मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम मान लेते हैं कि हमारा विक्रय मूल्य ₹100 का है तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, ₹100 का 40%, यानी कि ₹40। तो क्रय मूल्य हमारे पास सीपी कितनी आ गई, ₹40 की। फिर से एक बार समझ लीजिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि सीपी क्या है, एसपी का 40%। एसपी को ₹100 मान लेते हैं तो 100 का 40% करेंगे तो सीपी यानी कि क्रय मूल्य हमारे पास ₹40 का आ जाएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है एसपी सीपी का कितना प्रतिशत है, ठीक है, यानी कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है। प्रतिशत को निकालते वक्त एक सबसे बड़ी समस्या हमारे बीच में रहती है कि हम अपॉन में यानी कि इसके नीचे हम किस वैल्यू को रखेंगे। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी क्वेश्चन को पढ़ते वक्त हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि जिससे कंपेयर करता है उसे हम हमेशा नीचे रखेंगे और ऊपर उस वैल्यू को रखेंगे जिसको कि वो कंपेयर कर रहा है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हम देखते हैं किससे कह रहे हैं, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है, तो किसका, क्रय मूल्य का, कौन, विक्रय मूल्य प्रतिशत इंटू 100, 4 से इसको कट करेंगे 25 बार में जाएगा तो 25×10 यानी कि कितना आ जाएगा, ये 250%, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार समझ लीजिए क्वेश्चन को, कह रहा है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 40% है तो विक्रय मूल्य को ₹100 मान लेते हैं तो 100 का 40% यानी कि क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, ₹40। क्वेश्चन पूछ रहा है कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो जिससे कंपेयर करेगा उसे हम हमेशा अपॉन में रखेंगे। तो यहां पे क्रय मूल्य से कंपेयर कर रहा है तो 40 को नीचे रखेंगे, किसको, विक्रय मूल्य को, तो विक्रय मूल्य ऊपर रहेगा तो 100/40×100 यानी कितना कि 250%। आज के वीडियो में क्लास में इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में हम प्रॉफिट एंड लॉस के टाइप 3 को समझेंगे। तब तक आप लोग इस तरह के टाइप 1 और टाइप 2 के सभी प्रश्नों को सॉल्व करिएगा, सारे क्वेश्चंस को अलग अलग जगहों से देख के आप सॉल्व करिएगा। अगली क्लास में आप लोगों से मिलते हैं।